कमेंट कमेंट राम राम जी सोनू पवार, राम राम भाई संदीप, राम राम अमित राव, राम राम जी, राम राम प्रदीप शर्मा, राम राम भाई राजीव हुड्डा जी, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद भाई इस मुहिम के तहत मुझे जोड़ा अपना अपनी बातें रखने के लिए। राम राम भाई प्रदीप यादव, राम राम जी सोनू जून, बढ़िया भाई प्रदीप यादव, बढ़िया भाई जीता, सभी सुरक्षित हैं अभी तक तो सेफ हैं। परविंदर भाई राम राम, आकाश जी राम राम, बढ़िया भाई लक्की शर्मा भाई, जीता जी सॉरी दरोगा की तरफ से, क्योंकि उनकी ड्यूटी लग गई थी आज, इस वजह से नहीं आ पाए आपके समक्ष। राम राम भाई रोहित यादव, दरोगा भाई नहीं आ पाए सॉरी उसके लिए। भाई प्रदीप शर्मा जी, सभी अच्छे खिलाड़ी हैं और अब तो बहुत ही ज़्यादा प्लेयर्स हो चुके हैं जो अच्छे हैं, काफ़ी टीमें हैं जो बहुत ही अच्छी टीमें हैं जिनमें कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, आप भी देखते होंगे टूर्नामेंट्स, तो केवल एक ऐसे प्लेयर को नहीं कह सकते कि वो अच्छा है, तो डिफरेंट डिफरेंट टूर्नामेंट में सभी अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आकाश भाई लाइन टू लाइन बॉल, ये प्रैक्टिस का फर्क है, प्रैक्टिस आप जिस तरह की करोगे अपने होम ग्राउंड में उसी तरह का आपको अनुभव होगा और इसी तरह आप उस गेम को फॉलो करोगे टूर्नामेंट में भी। तो धन्यवाद, लाइन पे बॉल लग जाती है अगर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस होगा उस बॉल को मारने का। हेलो कुणाल पवार,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कितनी करते हो, डेली करते हो या फिर अंकित भाई की तरह रात को 8 बजे 9 बजे आके 2 बजे तक रात के 3 बजे तक करते हैं प्रैक्टिस, तो आप वास्तव में ही अच्छे प्लेयर बनोगे, अच्छा दिखेगा आपको टूर्नामेंट में खेलते हुए भी, और बहुत सारा अनुभव होगा, टूर्नामेंट जिताने का वो होगा अनुभव पूरा। बढ़िया भाई अंकित जून जी। भाई साहब राम राम है विजेंद्र फोगाट जी, राम राम। धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमारे विचार सुनने के लिए आपका। दरोगा भाई जी अंकित आज सॉरी, उसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से सॉरी है, बिकॉज वो ड्यूटी की वजह से नहीं आ पाए। भाई जी का फोगाट जी का प्यार है हमारे प्रति कि गेम अच्छा है और आपकी टीम भी अच्छी है, यही प्यार बना है हमारा और आपका सभी का, सभी प्लेयर्स के साथ, बहुत अच्छी बात है। भाई कंगन हेडी टीम से बहुत अच्छा मैच लगा था, फर्स्ट राउंड का मैच था, फर्स्ट राउंड का मैच था भाई, और पूरा टीम को हिला दिया था उस टीम ने। जैसे कि आप सभी को पता भी होगा, तो हमारा विदेशी प्लेयर सम्मिलित नहीं था उस मैच में, तो बहुत ही अच्छा मैच रहा और बहुत अच्छा खेली टीम हमारे खिलाफ। भाई गोपाल दास जी राजस्थान शूटिंग बॉल के बारे में, मैच अच्छा खेलते हैं, और कमल जो है जयपुर से, दिनेश भाई साहब, संजय भाई साहब, और संजय का नाम लेता हूँ तो उन्हें विश करना चाहूँगा, उनका हैप्पी बर्थडे है यार। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं संजय जयपुर से, और बहुत अच्छी टीम है जयपुर की साइड की, काफ़ी अच्छी टीम है, आप सभी जानते भी हैं। सोनी संधू, सोनी संधू जी राम राम। इधर हो जा, दिख नहीं रहा। राम राम भाई, राम राम जी सोनी, राम राम भाई। भाई दरोगा भाई सम्मिलित नहीं हो पाए इस वार्ता में, तो उनके छोटे भाई युधिष्ठर हैं हमारे पास में, सो छोटे भाई उनका दायित्व निभा रहे हैं अभी। राम राम भाई अंकित, बहुत अच्छी बात है और धन्यवाद आपका जो हमें इस वार्ता में मौका दिया अपनी बातें रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खेलना कब स्टार्ट? खेल
मिलना तो स्टार्ट किया, मैं अपनी बात करूं तो 2001 में स्टार्ट किया था, 2002 में स्टार्ट किया दिया था, और मैं तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं ये, बिकॉज हमें ध्यान भी नहीं है, क्योंकि हम दिल्ली स्टेट खेलने गए थे प्योर शूटिंग वॉलीबॉल, तो उसका सर्टिफिकेट पड़ा है मेरे पास, वही देखा तो मैं बोल रहा हूँ आपको। तो उसके बाद हम नेशनल भी खेलने गए थे महाराष्ट्र, सो उसी समय से, उससे पहले भी खेलते होंगे बट ग्राउंड पे खेलते होंगे अपने प्रैक्टिस में, और दरोगा भाई साहब जो दानवीर हैं वो उनसे पहले खेल रहे थे, 2-3 साल पहले से प्योर शूटिंग वॉलीबॉल खेलते थे पहले हम। उसके बाद धीरे धीरे हमने अपना गेम चेंज किया, बहुत सारी बातें थी जो प्योर शूटिंग से हमें उबा दिया और मतलब परेशान कर दिया, जिससे छोड़ के हमें ड्रॉपिंग में आना पड़ा एंड राम राम भाई राहुल, राम राम। जंप तो लेता है भाई अंकित भाई अंकित जी, जंप के पीछे एक राज भी है, बिकॉज मैं स्कूल टाइम से स्मैशिंग वॉलीबॉल भी खेलता था और प्योर शूटिंग भी खेलता था, जिसमें कि जंप लेके वॉल मारते थे मैक्सिमम, और स्मैशिंग में तो आपको पता ही होगा कि हर बॉल जो स्मैश करनी होती है जंप लेके ही करनी होती है, सो इस वजह से भी मुझे थोड़ी प्रैक्टिस थी कि जंप लेके बॉल मारना, और थर्ड में से अच्छी लगती थी बॉल, तो इस वजह ये एक अहम वजह है कि जंप शॉट मारता था, अभी भी मारता हूँ, बट उम्र के साथ साथ गेम भी चेंज होता है, ऐसी बात नहीं है कि वही गेम बना रहे। एंड नीरज सहरावत जी राम राम। जंपिंग भाई, जंप तो आपका भी बहुत बेहतरीन है, बाकी आजकल तो जॉन सीना जंप ले रहे हैं और अच्छी बॉल मारते हैं, बहुत ही अच्छा सुधार है उनके गेम में, और आपका भी जंप का शॉट देखने को मिलता है टूर्नामेंट्स में, तो ये तो आपका प्यार है भाई हमारे प्रति, ये प्यार ऐसा ही बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेंद्र सहरावत जी राम राम। SHO भाई नहीं आ पाए आज, उनकी ड्यूटी लग गई इसलिए सॉरी। दिव्यांश भाई, अच्छा भाई हम भी आपके फैन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांश भाई, हमें अच्छा लगता है आपका प्यार यूं ही बना रहे। प्रदीप यादव, हाँ भाई हम भी आपको काफी मिस करते हैं यार, काफी मिस करते हैं, और बहुत यादगार दिन थे वो जब आपके साथ खेले थे हम, और मुझे याद है दौलताबाद में जो हमने 21,000 का टूर्नामेंट ट्रॉफी का जीता था, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट था वो, और अच्छे मैच लगे थे, हम आपको याद करते हैं यार, दिल में हो आप तो याद क्या करना है। अरे अंकित भाई डरा नहीं सकते, डराते नहीं है भाई वो तो, बस आप भी बहुत टाइट बॉल मारते हो भाई। गेम भाई सही पूछो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, आप डेली प्रैक्टिस करते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो और किस तरह की प्रैक्टिस करते हो, मजाक में प्रैक्टिस करते हो तो आप नहीं हो पाओगे उस गेम में, अच्छा नहीं कर पाओगे, बट आप सीरियस हो के ग्राउंड में अपने में अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो वैसा ही आपका गेम निखार में आएगा और टूर्नामेंट में वैसे ही देखने को मिलेगा, सो डिपेंड करता है अपनी प्रैक्टिस पे। राम राम भाई संदीप जी, भुंडू भाई राम राम, हम कर लेंगे भाई साहब आपको राम राम।
सारी लाइन टू लाइन लग जाती है, बहुत सारी उसकी वजह से टूर्नामेंट भी लॉस किए हैं कई। लास्ट टाइम एक टूर्नामेंट उसी की वजह से हम हार गए थे फाइनल में गुंडू से। सो नरेंद्र जी भाई, ये तो आपका प्यार है, बेस्ट टीम है, बेस्ट तो सभी टीमें हैं आजकल, बहुत अच्छी अच्छी टीमें हैं, आपको पता ही होगा जयपुर है, शास्त्री की टीम है, और भाई चकदे की है, बूंदू की है, बहुत सारी टीमें हैं जो इस गेम से जुड़ी हुई है और अच्छी टीम है। हाँ लड्डी भाई, छोटे प्लेयर्स जो अच्छा खेलते हैं फिर वो मतलब थोड़ा और एजिड होके अच्छा निखरते हैं, और गेम में भी वैसा ही उनका प्रदर्शन देखने को मिलता है टूर्नामेंट्स में। तो जूनियर्स प्लेयर होंगे उनको ज़्यादा मेहनत कराएंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा कराएंगे, तो वैसे ही निखर के सामने आएगा वो। चार साल में कितना फर्क देख रहे हैं भाई। जीता फोगाट जी, 6 और 7 का जो फॉर्मेट है उसमें से मेरे को, मैं अपना ओपिनियन बताऊं और अपनी टीम से भी इस रिगार्डिंग मेरी बात हो चुकी है, तो उसका ओपिनियन यही है कि 6 खिलाड़ियों का अच्छा है, 6 खिलाड़ी का जो है बहुत ही अच्छा है, बट उसमें अब कैसे करना है, 6 मतलब 5-1 का रखना है फॉर्मेट या फिर और कोई डिफरेंट रखना है, तो उसके बारे में सभी टीमों से, सभी प्लेयर्स से आपस में सहमति बनाओ, और अच्छी बात कि एक ही फॉर्मेट हो, सभी टूर्नामेंट उसी फॉर्मेट के हो, तो बहुत अच्छी बात है, गेम बहुत मतलब फेमस हो जाएगा और सभी जगह खेला जाएगा, बिकॉज नियम एक ही होने चाहिए। हाँ, 6 में ये है कि थोड़ा फास्ट गेम हो जाता है और दूसरी टीम को मौका मिलता है पॉइंट देने का, 7 में क्या है कि ग्राउंड में जगह नहीं होती और लंबा मैच चल जाता है, जैसे कि कई टूर्नामेंट में हमने भी खेला है, 3-3 घंटे 3.5 घंटे चल जाता है एक एक मैच, तो ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा दूसरी टीम को मौका मिलेगा पॉइंट देने का। भाई प्रदीप यादव जी धन्यवाद, एवरेट भाई सभी हैं जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं आजकल, बहुत सारे प्लेयर हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी टीम को विनर कर रहे हैं टूर्नामेंट में। देखिए नरेंद्र सहरावत जी, मैं कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि 5-1 का फॉर्मेट रखो, देखो इसमें सहमति बनाओ सभी टीमों की, सभी प्लेयर्स की, सभी से बातें करो या फिर मिलो टूर्नामेंट, नेक्स्ट टूर्नामेंट हो उसमें मिलो, और ऐसा ना हो कि किसी भी टीम को टारगेट करके ये फॉर्मेट बना दो आप, सभी की सहमति इसमें ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ये सब बातें करो, और मैं 100% श्योर हूँ अपनी तरफ से बात करने से सहमति बन जाएगी, उनका भी ओपिनियन लो जिनको मतलब समस्या है इन चीज़ों से, किसी भी टीम की कह रहा हूँ मैं, ठीक है, तो सभी की सहमति लो इन चीज़ों पे, और एक नियम करो, एक फॉर्मेट बनाओ ताकि इस गेम को बढ़ावा मिल सके। और फिर विपिन भाई साहब ने एक पहल की है जो फेडरेशन बनाने की, उसके अकॉर्डिंग मैच हो, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, एक नियम होगा तो सभी टीमें खेल में सम्मिलित भी होंगी और सभी को पता भी होगा पहले से कि ये ही नियम मिलेंगे कहीं भी टूर्नामेंट होगा, इसके अंडर अगर जो भी टूर्नामेंट होगा तो फेडरेशन के अंडर,
और फेडरेशन की बात आई है तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो ड्रॉपिंग गेम है वो उसे हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी टीमें अभी भी ड्रॉपिंग बॉल खेलती हैं, अपने ग्राउंड में प्रैक्टिस करती है, ठीक है, और बहुत सारे अच्छे प्लेयर भी हैं, दिग्गज प्लेयर भी हैं ड्रॉपिंग के, जो कि बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं ड्रॉपिंग में अभी भी, उसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। और फेडरेशन में दोनों फॉर्मेलिटी रखनी चाहिए, अंडरहैंड भी और ड्रॉपिंग भी, उसके भी नियम बनाए जाने चाहिए, ठीक है। हाँ भाई जी, तो फोगाट जी नेट की हाइट सेम रहनी चाहिए, और ये सभी टूर्नामेंट में देखने को मिलता है कि अगर आप ग्राउंड 3 बना दोगे तो एक जो एक नंबर नेट होगा उसकी हाइट तो आप 8 फीट पे कर दोगे, दूसरे नेट की उससे कम कर दोगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हाइट कर दोगे, तो ये बहुत ही गलत है। हाइट होनी चाहिए 7-10, बहुत ही अच्छी बात है, 7-10 परफेक्ट है, इसमें फास्ट गेम भी चल जाता है और ठीक भी है। भाई जी नरेंद्र सहरावत जी, सहमति बन जाएगी अगर प्यार से बातें की जाएंगी, बैठ के बातें की जाएंगी, उनके भी सजेशन लो भाई, क्या करना चाहते हो आप भी, और उसमें थोड़ा बहुत मतलब फेर बदल करके वैसा बना दो आप। अगर इस फॉर्मेट से सहमत नहीं है कोई भी टीम तो उनके मतलब उनका परामर्श लो भाई, कैसा बनाना चाह रहे हो आप जिसमें सभी सहमत हों, तो बन सकता है, हो सकता है ये, अगर हम सब कोशिश करेंगे इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए तो हो सकता है। बिल्कुल जीता बोगाट जी, बिल्कुल हाइट सेम होनी चाहिए तीनों ग्राउंड की, दो ग्राउंड हो तो दोनों की, और दोनों पे लाइट भी होनी चाहिए। बहुत सारे टूर्नामेंट ऐसे हैं कि एक ही ग्राउंड पे लाइट लगा देते हैं और रात भर वो टूर्नामेंट चलता है, सुबह तक फाइनल होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आई होप ये फेडरेशन बन जाती है तो इसके अंडर अगर जो भी टूर्नामेंट होंगे सभी टूर्नामेंट इसी के अंडर कराना चाहेंगे जो भी मैनेजमेंट होगी, तो सेम रूल रहेंगे, एक ही रूल रहेगा, और वो ये सब फैसिलिटी मतलब बोलेगी मैनेजमेंट को कि ये फैसिलिटी दो, तब आपका टूर्नामेंट कामयाब होगा। तो अच्छे टूर्नामेंट होंगे अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो। नरेंद्र जी सहमति बनानी जरूरी है, देखो मैं ये नहीं कहता एक टीम सहमत नहीं होगी, सहमत हो जाएगी, पर उनकी भी सुनी जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, किस तरह का फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, उनकी भी सुनी जाए और बातें की जाए, देखो सहमति बन जाएगी इस चीज में। ऐसा हमें नहीं करना है कि किसी भी टीम को मतलब इस चीज से दूर रख के हम अलग से नियम बना दें, और फिर मतलब गलत है ये चीज, एक प्लेयर को शोभा नहीं देता ये चीज। हाँ भाई राव अमित, रेवाड़ी साइड में बहुत टूर्नामेंट खेले, बहुत अच्छे टूर्नामेंट भी होते हैं, और एक सबसे अच्छी बात ये लगी रेवाड़ी साइड में, फेयर टूर्नामेंट होते हैं, कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती वहाँ पे, बिकॉज फर्स्ट राउंड से ही पर्ची डाली जाती है,
बड़े बड़े टूर्नामेंट भी खेले हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट खेले हैं, और अंडर हैंड के अधिकतर टूर्नामेंट हमारी टीम ने रेवाड़ी साइड से मतलब स्टार्ट किया 2012-13 से, और वहीं पे बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट खेले हमने भी। तो रेवाड़ी में ही हमने काफ़ी टूर्नामेंट खेले हैं, और क्या आसपास नीवॉट में, ककराला में एंड मनपाल भाई के गांव में, प्रदीप भाई के गांव में भी कंटिन्यूसली टूर्नामेंट खेले हमने, मतलब साल भर में एक टूर्नामेंट होता था वहाँ पर। तो कानावास माजरा में बहुत सारे टूर्नामेंट हमने रेवाड़ी साइड, और आप सभी को पता भी है कि उस साइड में बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, और काफ़ी विन भी किया है, जिसकी पहचान से हमारी टीम को सभी प्लेयर्स जानते भी हैं, मतलब अच्छा प्रदर्शन किया है टीम ने। क्या लग रही टाइम के बाद क्या सुबह लेट परवीन आर्य जी, टूर्नामेंट में टीमें लेट पहुंचती हैं, ये बहुत ही बड़ा इश्यू है, और लेट ही स्टार्ट भी कराती है कमेटी। तो इसका एक ही समाधान है, फेडरेशन बनाई जाए और फेडरेशन में टाइम निश्चित किया जाए, और टाइम निश्चित ये है नहीं कि शाम को 3 बजे 4 बजे टीम आएगी और उसकी एंट्री हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है हमें। टूर्नामेंट रात के 10 या 11 बजे तक मैक्सिमम समाप्त भी करना होता है, ये टाइम निश्चित किया जाए, और सुबह में 12 बजे तक या 1 बजे तक टीमों को बुलाया जाए, सभी टीमों को, और जो दूर से आ रही हैं टीमें उन्हें पहले से ही बुलाया जाए। तो ये प्रॉब्लम मतलब नहीं होगी, फिर फेडरेशन के अकॉर्डिंग टूर्नामेंट होगा तो मैनेजमेंट भी उसी को फॉलो करेगी, तभी इस समस्या का समाधान हो पाएगा। हाँ नरेंद्र सहरावत जी, जो टीम लेट आए उनकी नहीं लेनी चाहिए एंट्री, बट मैनेजमेंट ऐसा करती नहीं है, मैक्सिमम टूर्नामेंट में ले ही लेती है, वो अच्छी टीम होगी उसको मतलब खिलाने में पूरी कोशिश करती है मैनेजमेंट, ऐसा कोई फॉलो नहीं करता। एक दो टूर्नामेंट बहुत ही कम हैं जिसमें मतलब टीम की एंट्री ना ली हो, बट सभी ले लेते हैं और लेट ही ले लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राम राम भाई नवीन कुमार जी, राम राम, राम राम जी गिरिराज हुड्डा जी, डियर हाँ राव अमित जी, पहले टाइम से पहुँचते थे और दिन दिन में ही टूर्नामेंट हो जाते थे, पहले 2012-13 की बात कर रहे हो ना आप, बहुत अच्छी बात की आपने, पहले टूर्नामेंट दिन दिन में ही हो जाते थे, शाम के 7-8 बजे तक टूर्नामेंट मतलब फाइनल हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं होता है। इसका रीज़न भी है, टीम भी काफ़ी बढ़ गई है अब, टूर्नामेंट में सम्मिलित होती है टीम भी काफ़ी हो जाती हैं, और दूसरा लेट भी होते हैं, जो अच्छी टीमें होती हैं वो जानबूझ के लेट भी जाती हैं कि भाई सेकंड राउंड में खेलने का मौका मिल जाएगा, मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है ये सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कमेटी टाइट होगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको सीधा सीधा बोल दो भैया आप आओ ना, आपकी एंट्री नहीं होगी इस टाइम से के बाद। राम राम भाई बल्लू जाट, राम राम,
भाई राम राम विपिन चाचा जी। अंकित भाई सभी प्लेयर को सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है ये, और करेंगे भी अगर मतलब बातें होंगी आपस में सभी सहमत हो भी जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ये गेम आगे ना बढ़े, सभी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। और ये खेल तो एक ऐसा कीड़ा है कि जिसको लग गया ना फिर वो ये छूटने वाला है नहीं ये गेम, तो हमें करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए आपस में सभी को। बढ़िया भाई विपिन चहल जी, बहुत बढ़िया, सेफ है अभी तक तो कोरोना से सभी प्लेयर्स विलेज, आप सभी भी सेफ रहे। राम राम भाई जितेंद्र जी, राम राम। मैं करूं क्या सिलेक्ट बोल रहे हो? हाँ भाई अंकित, टीम छोटी हो या बड़ी हो सभी बराबर होना चाहिए, सभी को मतलब बिहेवियर सभी के खिलाफ मतलब समक्ष सेम रहना चाहिए, किसी के खिलाफ वो नहीं करना चाहिए। भाई अंकित ये आपने बहुत ही बात कह दी, फर्स्ट राउंड से ही पर्ची डालनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा रेवाड़ी साइड जो टूर्नामेंट होते हैं मैक्सिमम टूर्नामेंट में फर्स्ट राउंड से ही पर्ची डलती है, और ऐसा ही सभी टूर्नामेंट में होना भी चाहिए। बड़े बड़े टूर्नामेंट में अधिकतर ये देखने को नहीं मिलता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट राउंड में ही अच्छी अच्छी टीम को मतलब ये मैच करा के ठीक नहीं है, पर्ची से होगा तो अच्छी बात है। बढ़िया भाई साहब राव आरिफ, बढ़िया। अरे भाई स्टार प्लेयर तो आप भी हो, सभी हैं स्टार, तो भाई ये तो आपका प्यार है। नरेंद्र भाई हाँ, फेडरेशन का सहयोग है हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से पूरा, भाई बनाओ फेडरेशन, अच्छी बात है, इसी से गेम आगे बढ़ेगा और टीमें भी काफ़ी हो जाएंगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा। भाई आसु भाई राम राम, भाई शास्त्री वास्तव में ही मेरे दिल को छू लिया है, इस प्लेयर ने वास्तव में ही अच्छा प्लेयर है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और सब आप सभी जानते भी हैं, काफ़ी अच्छा प्लेयर है भाई। और निठारी में इनका मैच देखा था, और बहादुरगढ़ में तो भाई जुलम ढा दिए थे लड़के ने, फाइनल मैच में जो जयपुर के खिलाफ बहुत ही अच्छा मैच खेले थे, बहुत ही अच्छा, निठारी में भाई चिराग दिल्ली के खिलाफ इतने डिफरेंट मतलब सेंटर में खेलते हुए इतने मतलब बॉल ठा दी घनी, तो बहुत ही अच्छा मैच खेलते हैं, बहुत ही अच्छा। और इनके साथ साथ मैं राणा जी का भी नाम लेना चाहूँगा, वो भी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं भाई। अंकित भाई ये सही बात है आपकी, फेडरेशन वाले जो मतलब कमेटी को जो टूर्नामेंट कराने वाले हैं उनको सजेस्ट करेंगे कि भी इस तरह आपका टूर्नामेंट सफल होगा और अच्छा भी होगा, तो वो मानेंगे, और वो इसीलिए कराते हैं कमेटी कि टूर्नामेंट हमारा सफल हो,
बहुत सारी टीमें आए, अच्छे मैच लगे, यही चाहती हैं। तो बिल्कुल मांगेंगे, फेडरेशन के अंडर ही करेंगे वो टूर्नामेंट को, और ये सभी चाहेंगे टूर्नामेंट कराने वाले। हाँ राव आरिफ जी, लगाव बहुत है भाई, ये कीड़ा है, ये अब निकलेगा नहीं, और काफ़ी दिन से खेल रहे हैं शूटिंग वॉलीबॉल। बढ़िया भाई सिमरा जी, बढ़िया। राम राम भाई नरेश, राम राम, राम राम भाई साहब नरेश सहरावत जी, राम राम। परवीन भाई, ये तो आपका प्यार है मेरे प्रति, जवाब तो सभी का मिलता है टूर्नामेंट में, एक से एक अच्छे प्लेयर हैं इस गेम में, और अब तो नए नए निखर के आ रहे हैं भाई, मंचल जैसे प्लेयर जो कि फोर्स भी तगड़ी मारते हैं भाई, और गेम में बहुत अच्छा सुधार है उनके, जयदीप है, जॉन सीना है, और बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं इस गेम में जो कि अपने गेम में अच्छा निखार किया है। परवीन जी हैं हमारे इंट्री टीम से ही हैं। नरेश जी, जंप का मुकाबला अब नहीं पिटने देता भाई कोई, अच्छे डिफेंस कर लेती हैं सभी टीमें, जंप शॉट और फेल हो जाते हैं भाई कोई नहीं पिटने देता भाई। परवीन भाई बहुत अच्छा प्लेयर है, हमारी टीम से ही है ये, उन्हीं के बारे में पूछ रहे होंगे। नरेंद्र जी आप भालू भी कहते हैं इन्हें, वैसे खुश भी होते हैं इस नाम से वो, बाकी साइड के प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, पंचायती सेट में साइड ही खेलते हैं, अच्छा खेल लेते हैं। आनंद जी, नजफगढ़ की टीम बहुत ही अच्छी टीम है, और अब बढ़िया सेट हो रहा है, कति बहुत अच्छा सेट हो गया अब, अभी जो लास्ट टाइम दो तीन टूर्नामेंट उन्होंने विन किए हैं, बहुत अच्छी टीम है भाई। अनिल भाई साहब का गेम बहुत अच्छा है, और नेटमैन का तो वास्तव में सुपीरियर गेम है, और भाई साइड में जो रोहतक वाले भाई साहब खेलते हैं बहुत अच्छी फोर्स है उनके बॉल में, और मंचल का तो कोई जवाब ही नहीं है भाई, सभी जानते भी हैं। भारत सरदाना जी, दानवीर भाई को राम राम, मेरी तरफ से भी बोल दूंगा मैं उन्हें, फेस टू फेस मिलेंगे तो राम राम भाई, राम राम। परवीन जी, प्रैक्टिस में तो कोई भी किसी को हरा देता है, बट टूर्नामेंट में और गांव में खेलने में बहुत ज़्यादा फर्क है, आपने महसूस भी किया होगा सो यहाँ पे जो खुल के खेलते हैं प्लेयर्स, वहाँ पे उतना नहीं खेल पाते हैं तो इस चीज़ को जानो आप, गांव में कोई भी किसी को भी मतलब हरा देता है। अंकित भाई, आपकी टीम अच्छी टीम है, और आपकी टीम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जितनी जल्दी अपनी टीम को निखार के और इतनी अच्छी टीम बनाई है, और टूर्नामेंट भी विन किए हैं, और अच्छी अच्छी टीमों को भी पराजित किया है आपने, मतलब इतने कम समय में अपनी टीम को बहुत ही
अच्छा बनाया, मतलब प्रैक्टिस करके मेहनत करके बहुत ही सुपीरियर टीम है। और आपने जो पंजाब में झंडे गाड़ रखे हैं भाई, हमें पता है बहुत अच्छी टीम है भाई आपकी। नरेंद्र सहरावदी कैर गांव में भाई 2016 में जो टूर्नामेंट हुआ था हमारा द्वारका जो नेशनल हुई थी उसी दिन या उससे नेक्स्ट डे था जो टूर्नामेंट, उसमें हमारा मतलब टीम ने विन किया था कैर गांव में। बहुत ही अच्छे मैच लगे थे, वो टूर्नामेंट यादगार है। बहुत ही अच्छी टीम खेली थी हमारी और पंचायती टीम थी, विदेशी प्लेयर कोई नहीं था उसमें। सो बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। और कैर में तो भाई फेमस टूर्नामेंट है और टीमें भी काफ़ी आती हैं वहाँ से। वहाँ पे भाई बेस्ट प्लेयर की बात कर रहे हो आप, तो बेस्ट प्लेयर बहुत सारे हैं अच्छा खेलते हैं, जो एक किसी एक का नाम नहीं ले सकता मैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बेस्ट प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। जयपुर से भाई संजय है, दिनेश है, कमल भाई साहब है, और दिल्ली से है नीटा भाई है, नीरज सीनू, नरेंद्र भाई साहब हैं, नरेश भाई साहब हैं, चकदे हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। करनाल से है, शास्त्री है, बहुत सारे नाम हैं, मैं ले नहीं पाऊंगा। बहुत अच्छा गेम है इन सब का। केथल में भाई टूर्नामेंट अच्छा हुआ था, बट मैं उसमें सम्मिलित नहीं था। आई थिंक दानवीर भाई साहब भी थे उसमें और हमारी टीम से और भी थे केथल में। अच्छा टूर्नामेंट था, अच्छा मैच लगा था, मैंने देखा था वो लाइव। बाकी हाँ बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, सही फैसिलिटी। और सुबह में शायद वो फाइनल हुआ था, मतलब पूरी रात चला था टूर्नामेंट। अच्छा टूर्नामेंट था, केथल की अच्छी टीम है भाई, बहुत अच्छा खेलने लगी है अभी। भाई अंकित ड्रॉपिंग में देखो उसका अलग ही फॉर्मेट है, उसका अलग ही मजा है। मतलब ड्रॉपिंग ही था पहले तो, मतलब 2014 से 2015 में ये अंडर हैंड का फॉर्मेट आया, अंडर हैंड खेलने लगे। बाकी पहले ड्रॉपिंग ही था और ड्रॉपिंग ही खेलते थे सभी। हमने शूटिंग वाली बॉल, प्योर शूटिंग वाली बॉल, ड्रॉपिंग गेम टूर्नामेंट होने लगे थे तब हमने स्टार्ट किया ड्रॉपिंग से ही। तब अंडर हैंड वाली बॉल के टूर्नामेंट नहीं होते थे, 2011-12 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ड्रॉपिंग में ही हमने स्टार्ट किया, उसके बाद लंबे स्कोरर हो गए उसकी वजह से, और जो मतलब आपस में टीमें मिलके जाने लगी तो उसकी वजह से इसका जो इंटरेस्ट है कम हो गया टीमों का और टूर्नामेंट कराने वालों का भी। दो चार ही टीम पहुंच पाती थी ओपन टूर्नामेंट में, तो इस वजह से उसमें इंटरेस्ट कम हो गया सभी टीमों को और अंडर हैंड की तरफ ज़्यादा बढ़ गया इंटरेस्ट। अपिल भाई सुडाना में नहीं आ पाए, वो कोई रीज़न रहा होगा, मैंने आपको बताया भी होगा, शायद आपसे बात भी हुई थी मुझे याद है, तो उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा तो पक्का आएंगे 100%। राम राम भाई नरेंद्र, राम राम। भाई विकास जी मोतला गांव में हमने किसी कौन सी टीम को, मुझे याद नहीं है। अच्छा अच्छा
पता नहीं विकास जी, मैं इसके रिगार्डिंग आपसे फोन पे बात करूंगा, बट मुझे याद नहीं है, ऐसा हुआ नहीं होगा, हम कभी भी नहीं चाहते ऐसा गलत काम करना और ऐसा नहीं होगा। आपकी गलत फहमी होगी या फिर आपको ऐसा लगा होगा किसी वजह से, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर लूँगा फ़ोन पे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ऐसा हम करते नहीं है कभी भी, और मैं तो खासकर बिल्कुल भी गलत काम को बिल्कुल नहीं करते हैं। भाई सही बात नहीं है ये, बिल्कुल सही बात नहीं है, बट आपकी गलत फहमी होगी, कुछ वजह होगी ऐसी, आपको लगा होगा कि हमने हमारी टीम ने किसी ने मना किया है किसी टीम को नहीं जाने से, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मतलब करने का। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली विकास भाई, मैंने नहीं, बट हाँ किसी ने हुआ होगा तो मुझे पता नहीं है, हो सकता है गलत हो, आपको ये सही लग रहा हो, तो इसके रिगार्डिंग बात हो जाएगी। हाँ प्रवीण जी, 2010 से 2016 तक हमने मैक्सिमम टूर्नामेंट अंडर हैंड के खेले, और रेवाड़ी की तरफ जो ज़्यादा ही टूर्नामेंट होते थे उसमें अच्छा प्रदर्शन था, उसी की पहचान से आज सभी प्लेयर्स जो अच्छे प्लेयर हैं जो टीमें हैं हमारे गांव के इंड्री की पहचान बनी उसी वजह से, और अच्छे भी खेलते हैं, प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो अच्छा प्रदर्शन भी कर पाओगे। भाई धन्यवाद विकास कुमार जी, बट हम अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम समझाएंगे पूरी टीम को, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी सभी मानते हैं, सभी प्लेयर्स मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट टाइम से नहीं हो पाएगा, अगर कुछ परसेंट गलती हुई होगी तो अनजाने में, वो भी जानबूझ के तो कोई करना नहीं चाहता है, ये गलत बात है। हाँ दानवीर भाई को पता हो तो चलो करते हैं बात इसके रिगार्डिंग भी। नरेंद्र भाई गलत बात है, प्लेयरों की जो करते हैं ये गलत बात है नरेंद्र जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या हुआ था कैसे हुआ था, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। युधिष्ठर भाई यहीं पे है, राम राम भी बोल रहा है, बट वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, पता नहीं शर्मा रहे हैं क्या बात है, शर्माती रहती है लेडीज भी नहीं शर्माती इतनी, तो परवीन जी यहीं है, जॉन्टी भी यहीं पे है, युधिष्ठर भी यहीं पे है, बट कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या। हाँ विकास जी देखो ये गलत बात है, कोई भी है चाहे ए टू जेड, ये ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी टूर्नामेंट में, किसी दूसरी टीम को न जाने दें, ये गलत बात है, अपने मतलब के लिए पर्सनल मतलब के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे के टूर्नामेंट को बिगाड़ देना,
ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। उन्हें खुद ही ये महसूस करना चाहिए कि यार ये गलत बात है, और हम ये कभी भी नहीं चाहते कि ऐसा हो किसी के साथ या ऐसा नहीं चाहते। भाई प्रदीप सिंह मनु, राम राम भाई, राम राम। बढ़िया भाई, बढ़िया हाल है, सेफ है, आप भी सेफ होंगे आई होप। रोहित यादव जी पी रहे भाई, युधिष्ठिर तो बैठे टीम से हमारे बालू है। राम राम भाई हिमांशु, राम राम। गिरिराज हुड्डा जी दरोगा आज नहीं आ पाए, वो ड्यूटी लगी थी इस वजह से। नमस्कार भाई सोनू पवार जी, नमस्कार। युधिष्ठिर यही पे है, वो दिख नहीं रहा, कैमरे के सामने नहीं आ पा रहा। हाँ भाई थोड़ा सेफ रहना ही ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो बात तभी निकले, नहीं तो सेफ रहे। बहुत ही भयंकर बीमारी है भाई ये, इसका अभी तक मेडिसिन नहीं बन पाई है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट के उनको फॉलो करें, और ये तो अपनी सेफ्टी है भाई, करना चाहिए ऐसा, और दूसरे को शिक्षित करना चाहिए जो ऐसा फॉलो नहीं कर पा रहा है। हाँ नरेंद्र सहरावत जी, उन्होंने मतलब लॉकडाउन में पूरा फायदा उठाया है, मतलब जिम जिम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देवा और ये कल्लू मतलब प्रेम हुड्डा जी, मतलब सेहत पूरा फिट हो गया शरीर, और बॉल पे हाथ कम उठता है थोड़ा, आते हैं प्रैक्टिस पे, वैसे आ जाएंगे लैब में, बट थोड़ा सा जिम भी उन्होंने अच्छी की है, सेहत बना लिया भाई। हमारी तो जीन्स ही ऐसी है कहते हैं ना वो, तो हमारा शरीर तो ऐसा ही रहना भाई, जिसका बन सके वो करना चाहिए। हाँ प्रवीण जी डेली प्रैक्टिस में है भाई। प्रवीण के भाई आराम कर रहा था सुबह, ये दो मैच ठोक दिए इसका। अनिल कुमार जी, मैं इंड्री विलेज से हूँ, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा से। वॉलीबॉल प्लेयर्स का ये जो चल रहा है प्रोग्राम लाइव, वहीं से बोल रहा हूँ। प्रदीप जी हाँ इंड्री के अच्छे खेल लेते हैं, प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस रहते हैं तो आगे है, बट लास्ट पॉइंट पे काफ़ी टूर्नामेंट हारते हैं तो उससे दुख भी बहुत होता है, तो प्रैक्टिस में तो अच्छा खेलते हैं बट वहाँ टूर्नामेंट में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, इस बात से दुख है, और दुख रखना नहीं चाहिए, उन्हें सुधार करना चाहिए। और अब तो लाइव देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं, मतलब उसी मैच को जिसमें अगर हमारी टीम किसी की भी लूज रहती है तो उस गलतियों को हम सुधार सकते हैं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है लाइव का।
और मेरा तो यही एक वजह थी लाइव पेज बनाने का कि जो हमारी टीम कहीं पे लूज रह जाती थी एक पॉइंट से, या फिर लास्ट पॉइंट था और किसी टीम के बहुत ही कम पॉइंट थे, बट जब भी लूज रह जाती थी तो उसमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता था। और आपस में प्लेयर्स भी ये कहते थे कि भाई आपने मैच हराया, ऐसा सभी टीमें करती हैं जो लूज़ रह जाती हैं, तो उसमें बाद में हम वो मैच देख सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं प्रैक्टिस में। सो बहुत ही मतलब अच्छा है लाइव का, बाद में हम कभी भी देख सकते हैं वो मैच और अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इस गेम में। और मैं सभी को ये बताना चाहूँगा, सभी वॉलीबॉल प्लेयर्स को, कि ये जो महामारी चल रही है कोरोना, इसमें सभी सेफ रहें और सभी जो नियम हैं वह फॉलो करें, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें और प्रैक्टिस भी करें तो ग्रुप बना के, मतलब जैसे पहले होता था, मतलब दर्शक भी होते थे तो समीप में बैठ जाते थे, थोड़ा डिफरेंट मतलब स्पेस बना के सोशल डिस्टेंसिंग बैठे ठीक रहेगा, बिकॉज अपने आप को सेफ रख पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई नरेंद्र सहराब जी, खेल के बारे में ये विचार हैं भाई, ये गेम तभी आगे बढ़ सकता है और फेमस हो सकता है जब एक ही नियम बनाए जाएं, एक ही फॉर्मेट हो, और जो टूर्नामेंट कराते हैं मैनेजमेंट सेम टाइम रखे बहुत सारी, और सेम ही हाइट रखे नेट की, लाइटिंग व्यवस्था अच्छी हो और प्लेयर्स की जो बैठने वाली व्यवस्था है वो अच्छी हो। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही चेयर भी नहीं है, नहीं वहाँ पे कुछ टेंट वेंट लगा, ऐसे धूप में या गाड़ियों में बैठे हुए हैं पूरी रात परेशान रहना, तो ये सब फैसिलिटी नहीं हो पाएंगी जब तक इस गेम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये सब चीज़ होना चाहिए और ये जब ही तभी संभव है जब एक फेडरेशन बनाई जाए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विजेंद्र फोगाट जी का और विपिन चहल और अपना जो भी सहयोगी हैं इस फेडरेशन को आगे मतलब बनाने के लिए, आपका भी तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है, तो सभी को सहयोग करना चाहिए इस चीज़ में। तो इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ही जरूरी बातें हैं भाई। और हम सभी प्लेयर यही चाहेंगे कि बड़े बड़े टूर्नामेंट हो, ऑल इंडिया लेवल के टूर्नामेंट हो, जैसा कि लास्ट टाइम में अपने फोगाट साहब ने कराया था बहादुरगढ़ में, तो सभी टीमें आई थी, स्टेट वाइज टीमें आई थी और बहुत ही अच्छे मैच लगे थे, गर्ल्स के भी बॉयज़ के भी। और जैसा कि हम प्योर शूटिंग में भी जाते थे स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, तो वहाँ पे इतना क्राउड था जैसे क्रिकेट स्टेडियम में होता है ना, मेरे पास फोटो हैं, बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब ऐसा स्टेडियम बना हुआ था कि क्रिकेट में जैसे भीड़ होती है ना, एक भी चेयर खाली नहीं होती, वैसा ही वहाँ पे माहौल था।
और महाराष्ट्र में तो इसको मान्यता है इस गेम को, बट यहाँ पे हरियाणा दिल्ली और इनमें कहीं पे भी मानता नहीं है, बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है इस गेम की। हाँ हाँ, बहुत सारे सर्टिफिकेट पड़े हैं हमारे पास दानवीर भाई के, हमारे पास प्योर शूटिंग के, बट उनकी 0% वैल्यू है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है उनसे, ना ही जॉब में ना ही एजुकेशन में, कहीं भी अभी नहीं है। ठीक है, तो बस ये गेम अभी फ़िलहाल के बता रहा हूँ मैं, तो ये ओनली इंजॉय के लिए, जैसे कि अंकित भाई ने अपने बातों में भी बताया था, इंजॉय के लिए इंटरेस्ट है बस, जिसको ये कीड़ा लग गया वो छोड़ने वाला है नहीं इसको। और मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी प्लेयर्स के, जो नया लड़का है जो अपनी स्टडी कर रहा है या फिर जॉब के लिए सर्च कर रहा है, तो उसको यही सजेस्ट करें कि इस गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट ना ले, और बाकी ये सब करना चाहिए। बाकी हम सब तो चाहेंगे कि इस गेम को और भी मतलब विस्तृत किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि अच्छे अच्छे टूर्नामेंट हो, एक ही नियम हो। तो ये इन सभी बातों के करते हुए मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ आपका, जो मेरे विचारों को सुना आपने, और धन्यवाद करना चाहूँगा अंकित का और सभी का जिन्होंने इंडरी टीम को अपने विचार रखने का मौका दिया। धन्यवाद सभी का, राम राम भाइयों। और एक शब्द कहना चाहूँगा मैं आपसे, वक्त ऐसा चल रहा है कि लोग मरने से डर रहे हैं, वक्त ऐसा चल रहा है कि लोग मरने से डर रहे हैं, मुझे डर है कि मैं तुमसे बिना मिले ही ना मर जाऊं, तो भगवान ऐसा ना करे, हमें जल्द मिलाए, हम प्रे करेंगे गॉड से, जल्दी टूर्नामेंट हो, आप सभी सेफ रहें कोरोना से। तो धन्यवाद सभी का भाई, राम राम। अगला लगा, अगला लगा, अगला लगा।